आज हम लोग शक्ति प्रेशर वॉशर, जो कार वॉशर बोलते हैं, 1800 वाट का, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। हमने इसको अमेज़ॉन से बाई किया था। अभी हम लोग काट रहे हैं, टेप भी निकाल दिए हैं। ऊपर में उसका फर्स्ट, उसका गाइड है, यूज़र मैनुअल है, और इसका वारंटी कार्ड है। ये दोनों का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी निकालते हैं इसका अंदर का कंटेंट। ऊपर रखा हुआ है इसका, ऊपर फर्स्ट है, थर्माकोल से पैकिंग है। ये उसका एक्सटर्नल पाइप, फोम केन, ये है उसका फोम केन। ये है उसका एक्सटर्नल पाइप। आप इसको लगा के गन को, जो नोप है उसको लंबा कर सकते हैं, थोड़ा आप अंदर तक गाड़ी का नीचे वगैरह धोने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक लॉक दिया हुआ है। और ये है उसका साथ जो फिल्टर आता है, ये पाइप के लास्ट पोर्शन में लगेगा। ये उसका पाइप को लॉक करने के लिए है। ये फिल्टर है जो डायरेक्ट मशीन में लग जाता है। और ये इसको आप टैब में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टैब में यूज़ करते हैं तो इसको लगा के आप यूज़ करिए, ये टैब के सिर में लग जाएगा और ये पीछे पाइप में लग जाएगा आपका 1.5 इंच का। और इसके साथ दो पाइप दिया गया है, ये आपका पानी के लिए है, जिससे पानी खींचेगा। इनलेट पाइप है, ये भी अच्छा क्वालिटी का दिया गया है और अच्छा लेंथ में भी है। और जो वो आपका प्रेशर पाइप है, ये जो देखिए बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो पाइप है उसका है, आप देखने से समझ जाएंगे। देखिए सर, नोब देखने से पता चल जाता है कि ये हाइड्रोलिक प्रेशर का जो पाइप होता है उसको दिया गया है। अब बेस्ट क्वालिटी का पाइप है, दोनों साइड में नोब दिया गया है। ये भी आपका 8.5 मीटर का आस पास है। अब निकालते हैं इसे गन को, ये इसका गन है, अच्छा क्वालिटी का गन दिया गया है। इसमें एक लॉक भी है जो ट्रिगर को ऑटोमेटिकली प्रेस या कोई चीज़ से दब जाए करके, इसके लिए नहीं, ना दबे करके इससे आप लॉक कर सकते हैं। इसको आप खोल सकते हैं, रुको, इसको खोल के आप गुरंदो, अरे इसके साथ इस पाइप को लगा के आप इसको एक्सटर्नल कर सकते हैं। लगा के दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पे फिट हो जाएगा। और इसके आर एक पे ये नोक लग जाएगा, जिससे आप इसको स्प्लिट या पॉइंट कर सकते हैं। ये आपका बहुत लंबा पाइप बन जाएगा, फिर आपको धोने के लिए आसानी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा गन बन चुका है। अभी हम लोग निकालते हैं मेन कंटेंट, जो हमारा मशीन है उसको देखते हैं। टावेट कंपनी बोला है 10 kg है। देखिए अच्छा, वायर का लेंथ भी हम दिखाते हैं आपको। मिनिमम आपका 4 मीटर का करीब है, 4 मीटर का करीब है। ये आपका मॉडल है, यहाँ पे उसका जो प्रेशर ग्रेज है वो दिया गया है, देख सकते हैं। जब आप मशीन चलाएंगे तो उस टाइम ये प्रेशर ग्रेज कितना प्रेशर पे है आपको दिखाएगा। अभी 0 पे है। ये आपका इनलेट पाइप है, इस साइड में हमेशा इनलेट पाइप रहता है। देखिए ये इनलेट पाइप है जो नीचे साइड पे रहेगा, ये आउट, ये जो स्विच दिया गया है वाटर प्रूफ केस के साथ दिया गया है। अब देखिए इसमें पानी वगैरह लगने से आपको शॉर्ट लगने का कोई डर नहीं है, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। अब देख लीजिए, ये जो है फाइबर का है,
ये भी फाइबर का है, ये भी फाइबर का है, लेकिन ये पूरा बाकी का जो मोटर से लेके सामने का पंप तक सब मेटल का है। देखिए यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए या कोई भी जगह लेके जाने के लिए एक ग्रिप दिया गया है, रबर ग्रिप नहीं है, फाइबर में है, लेकिन आसानी हो जाता है कोई भी एक 10 केजी का सामान को उठाने के लिए। पीछे का साइड में यहाँ पे एक एयर फैन दिया गया है जो मोटर को ठंडा करने के लिए दिया गया है, देख सकते हैं। इस साइड में भी सेम फाइबर का कवर डाले हैं। यहाँ पे शक्ति का ब्रांडिंग है, हाई प्रेशर वॉशर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है शक्ति का हाई प्रेशर वॉशर। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।